ग्रीटिंग स्टूडेंट्स, आज हम आपका सेकंड क्लास का हिंदी व्याकरण का पार्ट तीसरा करेंगे। हिंदी व्याकरण का पार्ट तीसरा, शब्द और वाक्य। शब्द और वाक्य जिसे इंग्लिश में हम क्या बोलते हैं, वर्ड एंड सेंटेंसेस। अब ये चित्र आपको दिखाई दे रहा है, इस चित्र को ध्यान से देखो। आप इसमें क्या क्या दिखाई दे रहा है, यहाँ पे घर भी है, कटहल लगे हुए। कटहल क्या होता है, एक वेजिटेबल होती है, एक सब्जी होती है, जिसकी आप सब्जी भी बनाती है आपकी मदर। ये क्या है, अजगर है। ये पत्थर दिखाई दे रही है, जल है, और जल में क्या खिले हुए हैं, कमल। तो आपको सब कुछ दिखाई दे रहा है ना चित्र में। जब आप छोटे थे या पीपी क्लास में थे, आपने अक्षर सीखे थे, धीरे धीरे आप बड़े हुए, आपने शब्द सीखे। अब आप शब्दों से कैसे आप सेंटेंस बनाओगे, वाक्य बनाओगे, आज हम वो सीखेंगे। आप पढ़ो, घर, जल, कमल, बत्तख, कटहल और अजगर। ध्यान दो, घ और र के मिलने से क्या बना है, दो, देखो दो अक्षर अलग अलग है ना, घ और र अलग अलग है, लेकिन आपने उन दोनों को एक साथ जोड़ दिया तो क्या बन गया, घर। ऐसे बहुत सारे शब्द बन जाते हैं, फल, जल, कमल, बहुत सारे बन जाते हैं। ज और ल के मिलने से क्या बना, जल। घर और जल में कितने वर्णों का मेल हुआ है, सिर्फ दो वर्णों का। कितने वर्णों का, दो वर्णों का। क, म और ल में कितने वर्णों का मेल हुआ है, तीन वर्णों का, और वो क्या बन गया, कमल। ब, त और ख, तीन वर्ण है, इसमें क्या बन गया, बत्तख। तीन वर्णों के मेल से, पहले हमने दो वर्णों के मेल से देखा और फिर तीन वर्णों के मेल से क्या बन गए हमारे शब्द। कमल और बत्तख में तीन तीन वर्णों का मेल हुआ है, क, ट, ह, ल। देखो, जल, जल दो वर्ण, कमल तीन वर्ण, ऐसे क, ट, ह, ल। कटहल में कितने हैं, चार वर्ण है। अजगर, अजगर में भी कितने हैं, चार। आपने पहले दो अक्षरों का मेल किया, फिर तीन का किया, फिर आपने चार का किया, आपके क्या बन गए शब्द। दो या दो से अधिक वर्णों के मेल से क्या बनता है, जब आप दो या दो से अधिक वर्णों का मेल कर देते हो, उन्हें जोड़ देते हो, तो हमारा क्या बन जाता है, शब्द बन जाता है। जैसे कुछ शब्दों में वर्णों के साथ उनकी क्या होती हैं, मात्राएं भी होती हैं, बिल्कुल होती हैं। जो हमारे स्वर होते हैं उनकी क्या होती हैं, मात्राएं होती हैं। जैसे क, आ, न, कान, ये किसकी मात्रा है, आ की। प, ई, न, पिन, कौन सी की मात्रा है, छोटी की मात्रा। नहीं, हमेशा कहाँ से आती है, अक्षर के आगे से आती। म, छ, ल, ई, मछली, ये क्या है, बड़ी की मात्रा। और ये हमेशा कहाँ से आती है, अक्षर के पीछे से। धनुष, धनुष ये कौन सी उनकी मात्रा है, छोटे उनके जो नीचे से ऊपर जाती है। फल, फूल, ऊपर से नीचे आ रही ना। मृग, री की मात्रा। ऐसे ही पेड़, बैल, ढोलक, ए, ए, ओ, औ, अ, और ये चंद्रबिंदु, ये सब क्या हमारी मात्राएं हैं, ये सब क्या हमारी मात्राएं हैं। पेड़, बैल, ढोलक, नौका, शंख, शंख के ऊपर क्या है, अंग, तो ये क्या हमारी अंग की मात्रा। ये क्या है, लहंगा, जिसके ऊपर क्या है, चंद्रबिंदु है। कुछ शब्द स्वर और व्यंजन के मेल से बने होते हैं, जैसे ई, ख, ई, ऊ, न, ऊन, एन, ये क्या हमारी एन। अब कुछ शब्द दो शब्दों के मेल से भी बने होते हैं, जैसे आई, आओ, दो शब्दों के मेल से, स्वर नहीं हमारे दोनों, तो उनके मेल से भी कुछ शब्द बनते। ऐसे ही हमारे पास जितने भी व्यंजन हैं और स्वर है, आप उनकी हेल्प से बहुत सारे आप शब्द बना सकते हो, और उन शब्दों से आप क्या बना सकते हो, वाक्य बना सकते हो। कुछ शब्दों में सुविताक्षर भी आते हैं, जैसे पत्ता, एक आधा पैर और एक पूरा, बच्चा, छप्पर, छप्पर में क्या है, आधा पैर और पूरा पैर। अब हम वाक्य बनाने सीखेंगे कि वाक्य कैसे बनाते हैं। बच्चा रोया, कितने शब्द हैं, कितने शब्द हैं, दो शब्द है, दो शब्द की जगह से हमने क्या बना दिया, एक वाक्य। बच्चा रोया, बिल्ली आई, कुत्ता आया, कुछ भी बना सकते हो, बच्चा हंसा भी बना सकते हो। अब दो
शब्दों का आपने यूज किया और आपका एक वाक्य बन गया। इसमें दो शब्दों का मेल हुआ, इसमें भी दो ही शब्दों का मेल हुआ है। नेक्स्ट, हरी बाजार गया। हरी कहाँ गया? बाजार गया। तो उसमें कितने शब्द हैं? तीन शब्द है। कितने हैं? तीन शब्द है। राधिका नाचती है, राधिका पढ़ती है, राधिका लिखती है, राम पढ़ता है। तो इन सब में आपने कितने वाक्यों शब्दों का यूज करा? तीन शब्दों का। आप तीन शब्दों के मेल से भी क्या बना सकते हो? एक पूरा वाक्य है जिसमें कितने शब्दों का मेल हुआ है? तीन शब्दों का। नेक्स्ट है, मछली तैर रही है। कितने शब्द आ गए? चार। मछली तैर रही है। हाथी गन्ने खाता है। राम पढ़ाई करता है। राधा नाच झूला झूल रही है। वैसे कुछ भी शब्द बना, वाक्य बना सकते हो। इसमें कितने शब्दों का प्रयोग करा आपने? चार। और चार शब्दों की सहायता से आपने क्या बना? एक पूरा वाक्य बन गया। पहले आपको सिर्फ क्या आते थे? अक्षर जोड़ के शब्द बनाने आते थे। धीरे धीरे आपने उन शब्दों की सहायता से क्या सीख लिए? सेंटेंस बनाने, वाक्य बनाने सीख लिए। मछली तैर रही है, इसमें कितने शब्दों का प्रयोग किया? चार। हाथी गन्ने खाता है, चार शब्दों का यूज किया आपने। इसमें आपका बन गया पूरा एक वाक्य। गीतिका झूला झूल रही है। दीपक पुस्तक पढ़ रहा है। तो इसमें कितने शब्दों का? पांच शब्दों का आपने यूज करा और आपका क्या बन गया? एक पूरा वाक्य। दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से क्या बनता है? वाक्य। देखो, दो या दो से अधिक वर्णों के मेल से तो क्या बनता है? हमारा शब्द। आपने दो या दो से अधिक वर्णों का यूज करा, आपका बन गया शब्द। अब आपने दो या दो से अधिक शब्दों का यूज करा, उनका मेल करा, तो क्या बन गया आपका? पूरा एक वाक्य बन गया, पूरा एक सेंटेंस बन गया। बोलने की बारी। बोल बोल कर पढ़ो, याद करो। शब्द वर्ड, शब्द को क्या बोलते हैं? वर्ड। वाक्य क्या होता है? सेंटेंस। लिखने की बारी। इन वर्णों के मेल से एक शब्द बनाओ। देखो ये आगे पीछे आपको दिए हुए हैं। मल है, मल है, कुछ होता है? नो। मैं है, महल, 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 महल बन गया ना ये। त र त स, तरकस। आप आगे पीछे कर शब्दों को कर दोगे, अक्षरों को कर दोगे, तो वो आपका गलत हो जाएगा। आपको बिल्कुल पूरा और ध्यान से, बिल्कुल बिल्कुल ध्यान से बनाना। आगे पीछे देखो, न पट घर, कुछ बन रहा है? नो। आपको ये सीधा करके लिखना है, क्या बन जाएगा? पन घट। क्या बन जाएगा? पन घट। ये बन गया हमारा पन घट। टबन, टबन कुछ होता है? नो। बटन, बटन क्या हो गया? ब न, बटन। हमारा क्या बन गया? बटन। आपको ऐसे ही आगे पीछे क्या देना है? कुछ शब्द जिनको आपको सीधा करके करके उनको लिखना है। राधा है रही नाच, क्या ये ठीक है? राधा है रही नाच, तो आप कैसे लिखोगे? राधा नाच रही है, राधा नाच रही है। मैं है फूल खिले बाग, मैं है फूल खिले बाग क्या? मैं है फूल खिले बाग क्या? बाग में फूल खिले हैं, बाग में क्या खिले हैं? फूल। शबनम गाएगी पर मंच आज, कुछ बनाए? आज शबनम मंच पर गाएगी, आज शबनम मंच पर गाएगी। ने संग फूका पुजारी, ने संग पुजारी कुछ बना? नो। पुजारी ने शंख, पुजारी ने संग फूका, पुजारी ने संग को ऐसे बजाता है ना, तो पुजारी ने शंख फूका। जब भी आप किसी शब्दों के मेल से कोई भी वाक्य बनाते हो तो आपको वो बहुत ही ध्यान से बनाने हैं। आप गड़बड़ कर देते हो, आगे पीछे आप शब्दों को कर देते हो, जिससे आपका क्या हो जाता है? रोंग। तो सूरज है निकला, सूरज है निकला, तो ये गलत है ना आपका? सूरज निकल आया है, सूरज निकल गया है, सूरज है निकला। तो आप इस तरह से क्या कर देते हो? छोटी छोटी मिस्टेक करते हो, लेकिन नहीं, आपको बहुत ध्यान से करना। आपको शब्दों को देखना है कि ये शब्द आगे आएगा, पीछे आएगा, बीच में आएगा। आपको बहुत ध्यान से उनका यूज करना, तभी आपके क्या बनेंगे? वाक्य। अब ये क्या है? चित्रों को देख के आपको कुछ वाक्य बनाने हैं। रिया झूला झूल, रिया आप कुछ भी नाम दे सकते हो, अपना भी नाम दे सकते हो। रिया झूला झूल, रिया को झूलना, झूला झूला झूलना कैसा लगता है? बहुत ही अच्छा लगता है।
ऐसे ही हम आपको कोई भी पिक्चर दे सकते हैं जिसकी हेल्प से अब आप सेकंड क्लास में आ गए हो, तो आप अपनी आपका माइंड का यूज करके, ब्रेन का यूज करके आप क्या कर सकते हो, वाक्य बना सकते हो। किसी भी पिक्चर को देख के आप वाक्य बना सकते हो। अब रवि और रीना, आप कोई भी नाम दे सकते, दोनों क्या कर रहे हैं, नाच रहे हैं। उन दोनों को नाचना क्या लगता है, अच्छा लगता है, वो एंजॉय कर रहे हैं नाचने में, उनको बहुत ही मजा आ रहा है। अब ये साइकिल पे जा रहा है, किस पे जा रहा है, साइकिल पे। आप इसको कोई भी नाम दे सकते हो, श्याम राम, श्याम साइकिल पे, श्याम साइकिल चला रहा है और वह साइकिल पे कहाँ जा रहा है, बाजार जा रहा है, या आप कुछ भी बोल सकते हो, वो साइकिल पे खेत जा रहा है, बाजार जा रहा है, गाँव जा रहा है। आप अपनी अपने माइंड का यूज करके आप वहां से बना सकते हो। अब ये क्या है, इस चीज की पिक्चर, एक फैमिली की पिक्चर है पूरी। आप कुछ भी बोल सकते हैं, यह मेरा परिवार है और हम सब मिलकर रहते हैं, ये मेरे मम्मी पापा हैं, हम सब मिलकर रहते हैं, प्यार से रहते हैं, खुशी खुशी रहते हैं। आप कुछ भी ऐसे पिक्चर को देख के अपने माइंड का यूज करके क्या बना सकते हो, शब्दों की हेल्प से वाक्य। तो आज हमने क्या सीखा, शब्दों की हेल्प से, वर्णों की हेल्प से हमने पहले शब्द बनाने सीखे और फिर उन शब्दों की हेल्प से हमने क्या बनाना सीखा, वाक्य। तो ये क्या है हमारे, वाक्य। आप पिक्चर को देख के अपने माइंड का यूज करके वाक्य बना सकते हो, लेकिन वाक्य बनाते टाइम आपको बहुत ध्यान से बनाने, कई बार कुछ बच्चे कुछ भी आगे पीछे कर देते हो, जिसकी वजह से वो क्या हो जाता है, आपका रॉन्ग हो जाता है। आपको बहुत ही ध्यान से वाक्य बनाने होंगे और ये बहुत ही ईजी है। Thank you.